हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है और इसके बाद ओडीआई मैचेस शुरू होंगे। तो उसके लिए जो सिलेक्टेड ओडीआई टीम इंडिया स्क्वाड है वो साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो चुकी है। आपको बता दें, देखिए जो टीम स्क्वाड है एक बार आपको बता देते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स रवाना हो चुके हैं साउथ अफ्रीका के लिए। देखिए प्लेयर्स में आते हैं भुवी, शिखर धवन, सूर्यकुमार यादव, ऋतुराज गायकवाड़, दीपक चहर, वेंकटेश अय्यर, ईशान किशन, युजवेंद्र चहल और प्रसिद्ध कृष्णा दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो चुके हैं। इस बीच देखिए एक बहुत बड़ा न्यूज आया था वाशिंगटन सुंदर को लेकर, जो फेमस ऑलराउंडर हैं वो कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं, इस वजह से वो ओडीआई का हिस्सा नहीं हो पाएंगे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सैडनिंग न्यूज़ है, जो कि बहुत ही दुख भरी बात है, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर से काफ़ी एक्सपेक्टेशन था, लेकिन ऑलरेडी वो चोटिल, काफ़ी 10 महीने से वो चोटिल थे, इस वजह से वो काफ़ी सारे इंटरनेशनल इवेंट्स में, टूर्नामेंट्स में पार्ट नहीं ले पाए वो, और वहीं अब वो कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं, जिस वजह से वो ओडीआई के पार्ट नहीं हो पाएंगे। इस बीच आपको ये भी बता देते हैं कि आखिरी बार वाशिंगटन सुंदर ने 2021 में भारत के लिए खेला था। आखिरी बार 2021 में खेला था वाशिंगटन सुंदर ने, और उसके बाद 10 महीनों तक वो चोटों से गुजरे, चोटिल थे वो, और इस वजह से वो रिकवर हो रहे थे और अब वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस वजह से वापस से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है टीम इंडिया में। वाशिंगटन सुंदर के जगह किस प्लेयर को रिप्लेस किया जाएगा, इसके बारे में बातचीत चल रही है। इस बारे में जैसे ही अपडेट आएगी हम आप तक वो अपडेट जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन अभी की जो बड़ी अपडेट है वो यही है कि सारे के सारे प्लेयर्स रवाना हो चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि ओडीआई मैच से पहले वो 3 दिन के लिए क्वारंटीन में रहेंगे। वो जी हाँ, वो 3 दिन के लिए साउथ अफ्रीका में क्वारंटीन में रहेंगे और उसके बाद वो टीम इंडिया के स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। अब देखिए जो ओडीआई मैच है वो 21 जनवरी से शुरू होने वाला है, तो उससे पहले जितने भी प्लेयर्स अभी जा रहे हैं वो 3 दिन के क्वारंटीन में रहेंगे और उसके बाद वो टीम को ज्वाइन करेंगे ओडीआई मैच के लिए। तो देखिए ऐसे ही अपडेटेड फैक्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेगा, और प्लीज अगर वीडियोस पसंद आते हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और याद से बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे।